बच्चों, आज हम ड्राइंग सब्जेक्ट में देखने वाले हैं वारली आर्ट। इसमें हम वारली आर्ट की इंफॉर्मेशन और कुछ बेसिक जो जानकारी है वो लेंगे। सबसे पहले तो वारली चित्र शैली मतलब क्या। वारली चित्रकला ये महाराष्ट्र राज्य के कोकण प्रांत के वारली इस आदिवासी जमात की चित्र शैली है। महाराष्ट्र के डहाणू, पालघर इन इलाकों में रहने वाले वारली आदिवासी जमात की ये चित्र शैली पूरी दुनिया में अभी मशहूर हो गई है। ज़्यादातर ये आदिवासी समाज उनके घर के परिवार के खुशी के मौके पर अपनी घर की दीवारों पे वारली चित्र बनाकर घरों को सजाते हैं। हर त्यौहार के शादियों के मौके पर अलग अलग चित्र घर की दीवारों पर बना के घर को सजा जाता है। उनके चित्र के विषय उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, कामों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे खेत में काम करना, शिकार करना, नदी में मछली पकड़ना, पानी भरना, बैलगाड़ी से सामान लाना, इस तरह के रोज़मर्रा के काम वो अपने चित्रों में बनाते हैं। वारली समाज के श्री जीव्या सोमा महशे, इन्होंने ये वारली चित्रकला पूरी दुनिया में मशहूर कर दी। उनके बनाए गए कई वारली चित्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। इस वजह से दुनिया में मशहूर हुई इस वारली चित्रकला का इस्तेमाल कपड़ों की सजावट के लिए, दीवारों की सजावट के लिए किया गया। ये देखिए कुछ साड़ियाँ, इस तरह के कुछ ड्रेसेस, साड़ियों के पल्लू, इनके ऊपर हम हमेशा वारली चित्रकला का प्रभाव देखते हैं जो डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारी कपड़ों की थैलियाँ जिनके ऊपर हम इस तरह के वारली आर्ट के बनाए हुए ड्राइंग देख के समझ में आता है कि ये ड्राइंग किस तरह सजावट के लिए काम आ रही है। इसी तरह घर के पर्दे, बेडशीट्स, इनके ऊपर भी इस तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। घरों की दीवारों को सजाने के लिए इस तरह के डिज़ाइन आप हमेशा देखते होंगे। वारली चित्र निर्मिति के कुछ मूलभूत आकार है, उनसे जोड़ जोड़ के पूरा ड्राइंग बनता है। फिलहाल हम वो आकार देखेंगे। ये देखिए कुछ वारली आर्ट के बेसिक शेप्स है, दायरा, मुसल्लस, मुस्ततील, इस तरह के। ये देखिए ह्यूमन फिगर बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए किस तरह किया गया है आकार। ये देखिए मेल फीमेल किस तरह बनाया गया है, आदमी औरत किस तरह बनाई गई है, छोटा लड़का छोटी लड़की किस तरह बनाई गई है, बूढ़ी औरत मतलब ओल्ड वुमन, देखो ये पानी भरती हुई औरत किस तरह बनाई गई है। इस तरह के आकार वारली ड्राइंग में, वारली चित्र शैली में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी शैली के बारे में कुछ वीडियो है। देखने वाले हैं, ये हम सिर्फ पार्ट वन देख रहे हैं। इसमें हम इसके जो बेसिक शेप्स है, मतलब उस ड्राइंग के लिए किस तरह के शेप्स बनाना जरूरी है, ये चीज सीखने वाले हैं। तो किस तरह की लकीरें इस्तेमाल की जाती है, इसके बारे में पहले मालूमात लेंगे। आदमी कैसे बनाना है, औरत कैसे बनानी है,
बैलगाड़ी कैसे बनती है, पेड़ कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम पार्ट वन में सीखने वाले हैं। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे किस तरह कैसी कैसी लकीरें यहाँ बनाई गई है। आपको भी इसी तरह एक पेज पे जो भी साइज का आपके पास पेपर है उसके हिसाब से इस तरह पहले बेसिक शेप्स बनाने हैं, उसके बाद उनका ही इस्तेमाल करके आप ह्यूमन फिगर्स मतलब आदमी किस तरह बना सकते हो, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, छोटा बच्चा हो, बच्ची हो, बूढ़ा आदमी हो, औरत हो, तो वो किस तरह हम बना सकते हैं। ये देखिए ये उनका बॉडी का हिस्सा है, सिर्फ उसके ऊपर की तरफ उनका सर और नीचे पैर और आजू बाजू में हाथ जोड़ने के बाद ह्यूमन फिगर बन जाएगी। ये देखिए आदमी, फिर औरत किस तरह बनानी है वो भी देख लीजिए। ये हम सिर्फ आकार देख रहे हैं, फिर इनका इस्तेमाल जैसे मैंने पहले कहा था कि खेत में काम कर रहे हैं या फिर शिकार कर रहे हैं, ऐसे उनके रोजमर्रा की जिंदगी के जो ड्राइंग है वो हम पार्ट टू में देखने वाले हैं। उसमें से कोई भी एक घटना, कोई भी एक प्रसंग के ऊपर हम बाद में ड्राइंग बनाने वाले हैं, वो भी पार्ट टू में। फिर उसमें हमको किस तरह कलर करना है, कौन से आकार किस तरह बनाने हैं, वो सब चीज़ें हम उसकी बारीकियाँ जो है वो पार्ट टू में देखने वाले हैं। लेकिन उसके लिए ये आकार आपको आना बहुत ज़रूरी है, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने पार्ट वन में सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिक जो शेप्स है उसके ताल्लुक से मालूमात ली है। और वारली चित्र शैली, वारली आर्ट फॉर्म क्या होता है उसके बारे में मालूमात ली है। देखिए कुछ इस तरह, अभी उनके घर किस तरह होते हैं, ठीक है, झोपड़ी होती है, आदिवासी जमात है, जंगल में रहते हैं, झोपड़ी होती है, फिर भी हर एक की झोपड़ी अलग अलग होती है, तो वो अलग अलग झोपड़ियाँ किस तरह होती है उसके भी आप ड्राइंग बना सकते हो। क्योंकि ये हम जब पार्ट टू बनाएंगे उस वक्त अगर हम किसी घर के सामने कोई त्यौहार के लिए आदमी जमा है और वो त्यौहार मना रहे हैं, सब आदिवासी भाई बहन साथ में मिलके किसी मौके पर डांस कर रहे हैं, उस वक्त पीछे हम इस तरह के उनके घर दिखा सकते हैं, इसीलिए इसकी भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। देखो झोपड़ी है लेकिन कितने अलग अलग तरह की है। देखो सबसे पहली बनाई हुई कितनी अलग है, बीच में जो बनाई गई है वो कितनी अलग है, देखो पेड़ों की जो टहनियां है वो काट के बहुत सी झोपड़ियों के ऊपर इस तरह छत बनाई जाती है, तो वो भी हम दिखा सकते हैं। अभी तक जो भी बनाया हमने झोपड़ी के लिए, देखो जंगल में जो लकड़ियाँ मिलती है उसको काट के ही ये घर बनाए जाते हैं। देखो गाय कैसे बनाई गई है यहाँ पे, गाय बैल जो उनकी खेती के काम के लिए आने वाले जानवर है उसका भी, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा ही है, तो उनके भी ड्राइंग वो इस तरह बनाते हैं।
देखो मुर्गी का ड्राइंग, अभी बैल बनाया है, मुर्गी बनाई है, तो वो उनके वारली स्टाइल में बनाया गया है, जैसे बैल होता है उस तरह का हूबहू नहीं बनाया है, इसी को तो उनकी स्टाइल कहते हैं, यही तो वारली स्टाइल है। ये देखो हवा में उड़ता हुआ पंछी, उनके शिकारी के जो ड्राइंग बनते हैं जिसमें वो दिखाते कि हम शिकार कर रहे हैं, तो उस वक्त जो हवा में पंछी उड़ रहे हैं उनके ड्राइंग कुछ इस तरह बनाए जाते हैं। देखो नारियल का पेड़, ऊपर जो हमने देखा था बैल बनाया हुआ है, गाय बनाई हुई है, उसी का एक अलग फॉर्म है, ये अलग आकार है। बैलगाड़ी खींचता हुआ बैल, ये सब ड्राइंग जब दीवारों पे बनाए जाते हैं, किसी त्योहार के वक्त, शादियों के वक्त, घर को सजाने के लिए, उस वक्त चावल का जो आटा होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। चावल के आटे में पानी मिला के, गोंद मिला के, दीवार को पहले गेरू लगा के उसे सूखने देते हैं, फिर ये सब ड्राइंग चावल के आटे से लकड़ी के सहारे, जैसे हम ब्रश इस्तेमाल करते हैं, या आदिवासी जमात ये ड्राइंग बनाने के लिए छोटी सी लकड़ियाँ, उसके आगे कुछ ऊन वगैरह लगा के दीवारों पे ड्राइंग बनाते हैं। देखो ये फाइनल आकार कुछ इस तरह बन जाते हैं। सभी बच्चों को वारली आर्ट पार्ट 1 ड्राइंग बनाने के लिए ऑल द बेस्ट।